कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवक की ईंट से कुचलकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वही पूरे मामले पर एसपी वेस्ट का कहना है कि मृतक अमीर की कुछ लोगों ने मिलकर नशेबाजी के चलते ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसके चलते बजरिया थाना क्षेत्र में 9 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें चार आरोपी टिंकू, आशीष, मनीष और हर्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते नशेबाजी में पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। 10 तारीख की रात्रि में बजरिया थाने में अमित कुमार नाम के व्यक्ति की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना बजरिया पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था और विवेचना में ये सामने आया था कि शराब पीकर इनमें विवाद हुआ था और दोनों पक्षों के मध्य पहले भी रंजिश थी और इसी कारण कुछ लोगों ने मिलकर अमित की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 9 लोगों पर नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। आज उसमें से 4 नामजद अभियुक्त, जिसमें हर्षित, मनीष, आशीष और टिंकू शामिल हैं, इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं, प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।